यह पूरा पुराना कोटा है और यह पुराने कोटा की दीवारें जो अंडर कंस्ट्रक्शन है प्रिपेयर हो रही है, समय कहीं कहीं बीच में क्रैक्स आ गए थे तो ही नहीं है। आज पहली बार घूमने के लिए निकले हैं, ऐसी ऐसी जगह फर्स्ट ब्लॉग है और पहली बार कोटा में घूम रहे हैं। वो जो कॉर्नर पे है वो कोटा पे हाँ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं कुटा मंदिर के पास। तो यहाँ पे आने के बाद एक दुखद पता चली है कि यहाँ के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है, बात करते हैं एक बार क्योंकि तो चलो हाँ ये पहले टिकट ले लेते हैं, देखते हैं कितने में पड़ता है। मंदिर परिसर यहाँ पे टिकट काउंटर है। तीन टिकट कर देगा हो जाए। तो यहाँ से एक टिकट का 60 रुपये है और 6 वर्ष से छोटे लोग बच्चियों या बच्चों के लिए यहाँ पे कोई टिकट नहीं लगता है। यहाँ पे ऊपर चारों तरफ लाइट लगी हुई है। अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं, देखते हैं प्रवेश द्वार यार। तो अंदर अंदर है, अरे छोटा सा जाना तो लग गया यार। यात्रा के दौरान मोबाइल पाए जाने पर 500 रुपये का जुर्माना सुन रहा है। अच्छा इसके अंदर है 500 रुपये जुर्माना इसके अंदर जाने से भाई किसके किसी के अंदर जाएंगे तब। अभी तो हम लोग बाहर हैं, यहाँ तक कैमरा और मोबाइल अलाउ है। और तो मछलियाँ तैर रही हैं, इसमें ब्लर सा हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा है साइड से। तो चलिए शिवजी के पास चलते हैं, थोड़ा उसके बाद फिर देखते हैं। इसके अंदर भी जा सकते हैं तो भी चलने की ट्राई करेंगे। यहाँ पे सफाई का काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है। एक स्टाफ थी, थोड़ा सा भी गंदगी था तो अपने स्टाफ को डांट रही थी। तो आइए चलिए पहले यहाँ पे चलते हैं। आप बैठ सकते हैं, बैठने के लिए जगह बनाई गई है साइड और इस साइड, आप इसको टेबल की तरह यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे भी बैठने के लिए जगह बनाई गई हैं। तो इसके अंदर हम चलते हैं, इधर तो सब बंद है।
भाई चलिए इस समय तो बैठने की कोशिश नहीं करेंगे, इतनी गर्मी पड़ रही है और ऊपर से पत्थर है, इतना ज़्यादा हॉट होगा कि पिछोड़ा जल के लाल हो जाएगा। फिर भी यहाँ से टच करके देख लेते हैं, गर्म है काफ़ी, जाना पड़ेगा यहाँ पे भी दिया। एक तो चलिए इसके अंदर चलते हैं पहले। इस जगह पे सारी सामानें जमा की जाती हैं। हाँ मेरा है क्या? हाँ इस जगह पे सारी सामानें जमा की जाती हैं। यहाँ पे जूता संग्रहालय और यह वह जगह है जिसके अंदर आप कैमरा लेके नहीं जा सकते हैं। इसके अंदर से आपको सारी सामान यहाँ पे जमा करने के बाद उसके बाद फिर अंदर जाना पड़ेगा। आपको सारी सामान यहाँ पे जमा करने के बाद उसके बाद फिर अंदर जाना पड़ेगा। तो एक बार बैठ के देख लेते हैं कैसा लग रहा है। भाई अभी ठीक है, जो पीछे है एक्वेरियम है, इसके अंदर भी जा सकते हैं मगर इस समय बंद है और गेट के ऊपर दो गमले रखे हुए हैं उसी से बंद किया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखते हैं ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से है, एक बार दिखलाता हूँ आपको। काफ़ी अच्छा बनाया गया है और ये कैंटीन एरिया है, आप लोगों को खाने की सारी सामान मिल जाएंगे। तो गाइस हम लोग मंदिर के अंदर से आ चुके हैं, तो यहाँ पे बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा। 60 रुपये आपके पूरे वसूल हो जाएंगे, इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि आप, बस दुख इस बात का है कि मैं अंदर कैमरा लेके नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं था। आइएगा तो एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि छोटे बच्चों के साथ आ रहे हैं तो उनको थोड़ा संभाल के ले चलिएगा क्योंकि अंदर एक छोटी बच्ची थी, उसको चोट लगी थोड़ा सा, गिर गई थी पत्थर हैं कंस्ट्रक्शन में, थोड़ा पत्थर का आकार देने के लिए यहाँ पे निकले थोड़े कुछ जगह पर निकले हैं तो इसलिए गिर गई थी, तो उसको ब्लीडिंग होने लगी, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा और सब तो अच्छा ही है। चलिए तब मिलते हैं अगले ब्लॉग में।
यहाँ से विद्यालय के जा ही रहे थे तो हम लोगों को यह दिखा, तो सोचे कि इसके अंदर भी चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पे कार पार्किंग और बाइक पार्किंग दोनों के लिए ही जगह है। तो चलिए अंदर तक चल के दिखाते हैं आपको। और ये एरिया अंदर कंस्ट्रक्शन है और इधर कार पार्किंग की जगह है। टिकट वहाँ से आपको मिलेगा पार्क करने के लिए। और यह रही बाइक्स पार्किंग, तो यहीं पे फोटो ब्लॉग को एंड करते हैं।